इस कार्यक्रम में दिखाए गए सभी पात्र नाम, स्थान, दृश्य, घटनाएं, कहानियां, संस्थाएं, कानून की कार्यप्रणाली सभी काल्पनिक है। इस कार्यक्रम के किसी किरदार की किसी जीवित या मृत व्यक्ति से समानता केवल एक संयोग है। चैनल किसी भी तरह की हिंसा का प्रोत्साहन नहीं करता और चैनल का मकसद किसी व्यक्ति, जाति या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। चैनल इस कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाओं की तथ्यात्मक सटीकता का कोई दावा नहीं करता। बाइक पर सवार दो लड़के आ रहे थे थाना तक निकले। कौन शमशेर साहब? मैं किसी शमशेर को नहीं जानता साहब। नहीं जानता है तो फिर तू मेरे किसी काम का नहीं। तू एक काम कर, तू मर जा। एमएलए की मौत के साथ शमशेर भोपाली मुंबई का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन चुका था। जिस तरह अंडरवर्ल्ड की जड़ें बॉलीवुड के अंदर तक थी, ठीक उसी तरह पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में भी बड़े बड़े नेताओं का उससे सपोर्ट था, जिनके दम पर वो अब तक अपनी मनमानी करता आ रहा था। लेकिन इस हादसे के बाद सब कुछ बदल गया। अब वही नेता चाहते थे कि शमशेर भोपाली हर हाल में पकड़ा जाए, लेकिन शमशेर भोपाली को पकड़ना इतना आसान नहीं था। उस पर अब अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन का हाथ था। रास्ता बहुत कठिन था, लेकिन नितिन कामते इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। सर, सही लड़के सच बोल रहे हैं सर। मामूली चोरों चक्के हैं, बाइक लेकर भाग रहे थे। एमएलए की मौत या शमशेर से इनका कोई कनेक्शन नहीं। बोलो सर। आज दूसरी बार मेरी लापरवाही की वजह से शमशेर हमारे हाथ से निकल गया सर। आप चाहे तो मेरा ट्रांसफर कर सकते हैं या मुझे सस्पेंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं सर, मैं जा कहीं भी रहूं उस शमशेर भोपाली को मैं ढूंढ निकालूंगा सर, और कुत्ते की तरह घसीटते हुए लाकर इन सलाखों के पीछे डालूंगा सर। देखो नितिन, तुम्हारी गलती से कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट इतने बड़े हादसे में तुमने किसी भी बच्चे को कुछ नहीं होने दिया। That's great. I'm proud of you. लेकिन सर, इस बात को लेकर मैं अपने और अपने सिक्योरिटी सिस्टम की लापरवाही तो नहीं छुपा सकता सर, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई सर, शमशेर इतनी आसानी से अंदर कैसे आ जाता? यही तो मैं सोच रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताऊँ, अगर तुम्हें पता होता कि एमएलए पे हमला होना है तो क्या करते तुम? तो मैं वहां मौजूद हर इंसान की चेकिंग करता सर, उसके साए की भी चेकिंग करता। एग्जैक्टली, इतना बड़ा हादसा होने वाला था और हमारे किसी भी इंफॉर्मर को इतनी भी खबर नहीं थी, ये कैसे हो सकता है? आपकी बात समझ गया सर, किलिंग तो शमशेर कर रहा है, लेकिन उसे करवा रहा है कोई सिस्टम के अंदर का, इसलिए वो बेफिक्र होकर कहीं भी घुस जाता है, अपना काम करके निकल जाता है और किसी को खबर नहीं पड़ती। वो कानून से नहीं डरता सर, लेकिन जो लोगों से ये काम करा रहे हैं वो कानून से जरूर डरते हैं, इसलिए छुप के वो शमशेर से अपना काम करा रहे हैं। सर, मेरे पास एक प्लान है। तुम्हें देख के लगता है कुछ बड़ा ही सोच रहे हो। मुझे 4 घंटे चाहिए। इन 4 घंटों में हम उन सब के यहाँ पर रेड मारेंगे सर, जिनको शमशेर के इन काम से फायदा हुआ है, अड्डे पर, दुकान पर, घर पर। ऐसे करने से उनमें एक हड़बड़ाहट मच जाएगी सर, घबराहट में वो कोई गलत काम करेंगे। जो भी करना है जल्दी करो। यू हैव माय गो अहेड। एसीपी सर के ऑर्डर्स है, इस शहर का कोना कोना छान मारो, जिस पर शक है उसे जेल में डालो। अगले 4 घंटों में हमें इनके सारे काले धंधे बंद करने,
उन लोगों ने हमारी सिक्योरिटी तोड़ के एक एमएलए को मारा है और फिर भाग गए साहब। इन लोगों ने हमें चैलेंज किया है, हम भी उन्हें दिखा देंगे कि जब एक पुलिस वाला वर्दी पहनकर बेल्ट लगाकर बंदूक तान कर अपने घर से निकलता है तो वो तभी वापस आता है जब इस शहर की पूरी गंदगी साफ कर देता है। अंडरस्टैंड? लेट्स गो। हेलो नितिन बेटा, माझ्या डोक्यात ना अचानक जास्त दुखायला लागले रे। दवाई तुम्ही लेली आहे लेकिन मुझे लगता है कि अब तुझे मेरे लिए हॉस्पिटल में बेड बुक करना ही पड़ेगा। माँ मैं तो इस वक्त नहीं आ पाऊंगा लेकिन मैं 10 मिनट के अंदर अंदर किसी को आपके पास भेज रहा हूँ। पर माँ आप एक पुलिस वाला की माँ हो, इतनी जल्दी हार नहीं मानना। हाँ बेटा हाँ। सब सब तैयार है। अबे देखता क्या है, चल जाओ। बोला था ना ये साला उल्टी खोपड़ी का शमशेर जरूर हमें कोई ना कोई पंगे में डालेगा। शफी, उस एमएलए को मारने की सुपारी मैंने ही शमशेर को दी थी, अब तो ये बच्चों की तरह चिल्लाना छोड़। भाई है तू मेरा, मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने एक प्लान बनाया है, वो लोग तुझे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। पर भाई अपुन तो अभी बच्चा है शफी, कुछ नहीं समझेगा तू। मैं समझाता हूं तुझे। देख शफी, पुलिस हरकत में आ चुकी है, हर जगह रेड डाल रही है और हर जगह से उन्हें कुछ ना कुछ मिल रहा है। और ऐसे में अगर पाशा के यहां से उन्हें कुछ नहीं मिला तो वो और अंदर घुसेंगे, मेरे धंधे और मेरे गिरेबान तक हाथ पहुंचेंगे उनके। और तू तो मेरा भाई है ना, भाई है ना मेरा, तू ऐसा होने देगा? अपने भाई को पुलिस के हाथ जाने देगा तू? वो आएंगे, तुझे पकड़ कर ले जाएंगे लेकिन उनको तुमसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी क्योंकि वो नहीं जानते कि तू कुछ नहीं जानता। घबरा मत, जल्दी निकालूंगा तुझे, वादा है मेरा। खुदा हाफिज। देखो सब जगह उधर देख, गायब हो। लगता है पाशा भाग गया। कोई बात नहीं, अपने भाई को पीछे छोड़ गए। चल मुझे देखकर इतना चौंकिए मत। आपके बेटे ने ही कहा है कि मैं यहां आपके पास बैठूं जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। आता वाला बरो वटते पहले से बेहतर महसूस कर रही हूं। थोड़ा बहुत दर्द तो 2-3 दिन रहेगा। नितिन ने बताया था मुझे आंटी, लेकिन अगर ऐसी बात है
तो मैं आपके कुछ टेस्ट कराना चाहती हूँ। आपको एक दिन क्लिनिक आ जाना चाहिए। ये दर्द इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, ये बहुत ही गहरा और पुराना दर्द है। नितिन 5 साल का था तभी उसने अपने पिता को मुझे जानवरों की तरह पीटते हुए देखा। फिर नितिन के पिता की मौत हो गई, लेकिन उन्होंने दिया हुआ दर्द आज भी मुझे ये एहसास दिलाता है कि वो यही कही है। शायद इसीलिए नितिन उन लोगों से नफरत करता है जो औरतों पर जुल्म करते हैं। लेकिन आंटी, ये सब कुछ आपने मुझे क्यों बताया? मैं नितिन की माँ हूँ, मुझे पता है। तुम नितिन के लिए सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं हो जिसने मेरी देखभाल के लिए तुझे भेजा है। माँ, कैसी तबीयत है? अब अच्छी हूँ। अच्छा सुन, प्रीति पहली बार घर आई है और देख मैं बिस्तर पे लेटी हूँ, उसे कुछ चाय कॉफी मीठा पूछ ले। माँ ऐसा कुछ नहीं है, वो आपकी डॉक्टर है। नितिन, मैंने आंटी को एक इंजेक्शन दे दिया है, अब उन्हें आराम करना चाहिए। और हाँ, तुम जल्द ही इन्हें क्लिनिक ले आना, मैं आंटी के कुछ टेस्ट करना चाहती हूँ। ओके। चलिए आंटी, नमस्ते। प्रीति, आई एम सॉरी, कभी कभी माँ ऐसे ही। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। देख, प्रीति अच्छी लड़की है, डॉक्टर भी है, उसको हाथ से जाने मत देना। ऐसा कुछ नहीं है माँ, डॉक्टर प्रीति को मैं केस के सिलसिले में मिला था। अब आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए, आपको आराम करने को कहा है ना, चलिए सो जाइए। हाँ, वो प्रीति का याद रखना। हेलो 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 सर, सर वो आवाज नहीं आ रही सर। हेलो हेलो हेलो, सुनो, स्टेशन के सारे फोन डेड कर दो, मैं नितिन और उसकी टीम को थोड़ा वक्त देना चाहता हूँ, और इस दौरान ना तो मुझे कोई डिस्टरबेंस चाहिए ना कोई प्रेशर, समझे? जी सर। बताता हूँ शमशेर कहाँ मिलेगा। बारे में पुलिस को नहीं बताना तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो बोल, तेरे को क्या चाहिए? तेरे को जो चाहिए बोल दे, बस एक बार बोल दे बस। मेरे लिए तूने जो मुश्ताक के साथ किया ना, तो उसके बदले में तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। क्या किया? और वैसे भी मुझे नहीं किसी पिक्चर में काम करने का। क्यों? हाँ यार, वो तो बस आई के चक्कर में। और ऊपर से वो मुश्ताक कैसा आदमी था, मेरे को तो ना ऐसी गंदी इंडस्ट्री में काम ही नहीं करना है। अरे मैं बात करूंगा ना पाशा से, तेरे को सुपरस्टार तो मैं बनाऊंगा ना। और एक बार तो उधर फिट हो गई ना, तो देख तेरे को कोई आंख उठा के देखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि तू शमशेर के साथ होगी।
को अच्छे तरीके से जानती हूँ। चीटिंग किया ना तूने? अरे अच्छा एक और निकाल ना। देख माता। फिर से रानी। मैं ना कहता था हम साथ ऊपर जाएंगे। हैंड्स ऑफ। मुझे आपको बताते हुए बेहद खुशी होती है कि शमशेर भोपाली एक अपराधी जो कि किलिंग मशीन के नाम से मशहूर था वो हमारी गिरफ्त में आ चुका है। उसे थाने जेल भेजा जा रहा है। इस खतरनाक काम को अंजाम देने का श्रेय इंस्पेक्टर नितिन और उनकी टीम को जाता है। मुझे इन पे बहुत गर्व है। डिपार्टमेंट उनकी बहादुरी से खुश होकर उन्हें इंस्पेक्टर से सीनियर इंस्पेक्टर के लिए प्रमोट करती है। आपका शुक्रिया अदा करने आया था। उस दिन मुझे कहीं जरूरी काम से जाना था और आपने माँ का ख्याल रखा तो आप अंदर तो आइए। थैंक यू। वैसे तुम्हारी माँ का फोन आया था। क्यों? उनकी तबीयत तो ठीक है? तबीयत ठीक है, तबीयत को कुछ नहीं हुआ। कह रही थी प्रीति बेटा तुम्हारे क्लिनिक में चाहे जो भी न्यूज़पेपर आता हो आज का बंबई समाचार जरूर पढ़ना। उसमें मेरे बेटे की बहुत ही अच्छी फोटो आई। क्योंकि अगर कोई गंदी फोटो देखकर तुम उसे रिजेक्ट कर दोगी ना तो बेचारे का दिल टूट जाएगा। प्रीति आई एम सॉरी। अब पता नहीं माँ तुमको लेकर इतनी एक्साइट हो गई है। एक्चुअली पिताजी के देहांत के बाद उन्होंने मुझे बड़ी मुश्किलों से पाला है। शायद वो अपने पेशेंस खो रही है। बस बोलते रहती है। आई होप तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यही तो प्रॉब्लम है कि माँ बोल रही है। जिसे बोलना चाहिए वो तो बोल ही नहीं रहा। एग्जैक्टली मैं माँ को हमेशा बोलता।
छह महीने से पुलिस हिरासत में है शमशेर, उसे बाहर निकालना होगा। लेकिन भाई उधर सिक्योरिटी बहुत टाइट है, शमशेर को वहां से निकाल पाना बहुत मुश्किल है। यही बात अगर शमशेर यहाँ खड़ा होकर तेरे बारे में यही बोलता तो कैसा लगता तुझे? मुझे मेरे भाई मूसा की मौत का बदला और दरियाब की मौत चाहिए। अब यही काम हमारे लिए शमशेर करेगा। पैसा, पावर, जो भी लगता है लगाओ, मुझे शमशेर बाहर चाहिए किसी भी कीमत पर। सर शमशेर भाग गया। सर सर खबर मिली है शमशेर भाग गया। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.